दोस्तों WWE में पहले इंटरजेंडर रेसलिंग बहुत ज़्यादा फेमस थी, जिस वजह से पहले हमें मैन वर्सेस वुमेन के काफ़ी सारे मैचेस देखने को मिलते थे। लेकिन आज के टाइम पर WWE में इंटरजेंडर रेसलिंग नहीं होती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे WWE के मेल रेसलर्स के बारे में जिन्होंने फीमेल यानी कि औरतों पर हमला किया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 10, ब्रॉक लेसनर अटैक्स स्टेफनी मैकमैन। दोस्तों ये बात है 9 सितंबर 2003 में हुए स्मैकडाउन के एपिसोड की। उस समय स्टेफनी मैकमैन एंड विंस मैकमैन के बीच राइवलरी चल रही थी। अब विंस मैकमैन यहाँ मैच करवाते हैं ब्रॉक लेसनर एंड स्टेफनी मैकमैन के बीच। मैच के शुरुआत में स्टेफनी मैकमैन ब्रॉक लेसनर को लो ब्लो भी लगाती हैं, और जब विंस मैकमैन स्टेफनी को पकड़ते हैं तो स्टेफनी मैकमैन विंस मैकमैन के भी अखरोट तोड़ देती हैं। लेकिन ब्रॉक लेसनर इतने में फिर से वापसी करते हैं और स्टेफनी मैकमैन पर बुरी तरीके से हमला करते हैं। वो लास्ट में स्टेफनी को F5 देने जा रहे होते हैं स्टील पोस्ट पर, लेकिन इतने में कर्ट एंगल वहां आकर स्टेफनी को बचा लेते हैं और विंस मैकमैन एंड ब्रॉक लेसनर दोनों की ही पिटाई कर देते हैं। परिणाम स्वरूप ब्रॉक लेसनर एंड विंस मैकमैन दोनों वहां से भाग खड़े होते हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर वाकई में शातिर निकले। नंबर 9, ए ट्रेन अटैक्स स्टेफनी मैकमैन। 12 अगस्त 2003, एक बार फिर विंस मैकमैन ने अपनी बेटी स्टेफनी मैकमैन का मैच ए ट्रेन, जो कि आज के टाइम पे टेंसाई के नाम से जाने जाते हैं, उनके साथ करवाया और ए ट्रेन ने स्टेफनी मैकमैन पर बुरी तरीके से अटैक पे अटैक करना शुरू कर दिए। विंस मैकमैन ये सब देखकर हंस रहे थे जैसे कोई कॉमेडी शो चल रहा हो वहां पे। इस मैच के दौरान द अमेरिकन बैडास द अंडरटेकर आते हैं स्टेफनी मैकमैन को बचाने के लिए, लेकिन वहां बिग शो आकर अंडरटेकर पर हमला कर देते हैं और फिर ए ट्रेन रिंग में जाकर स्टेफनी मैकमैन पर अटैक करके उन्हें पिनफॉल के जरिए हरा देते हैं। नंबर 8, रैंडी ऑर्टन अटैक्स स्टेफनी मैकमैन एंड बेथ फिनिक्स। दोस्तों रसलमेनिया 36 से पहले रैंडी ऑर्टन एंड एज की राइवलरी चल रही थी। तभी एज की वाइफ बेथ फिनिक्स एक प्रोमो कट करती हैं एज के लिए। रैंडी ऑर्टन वहां आ जाते हैं और प्रोमो के एंड में ऑर्टन बेथ फिनिक्स को आरकीओ लगा देते हैं। वहीं साल 2009 में ट्रिपल एच एंड रैंडी ऑर्टन के बीच भी राइवलरी चल रही थी, जो कि उस समय की वन ऑफ द बेस्ट राइवलरीज में से एक रही। मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में रैंडी ऑर्टन अपने साथी कोडी रोड्स एंड टेड डीबियासी के साथ मिलकर शेन मैकमैन पर अटैक कर देते हैं, जो कि स्टेफनी मैकमैन के भाई हैं। ऐसे में वो अपने भाई को बचाने के लिए वहां आती है, पर रैंडी ऑर्टन स्टेफनी मैकमैन को भी आरकेओ लगा देते हैं और उन्हें भी अपना शिकार बना लेते हैं। नंबर 7, केन अटैक्स चाइना। ये बात है 8 मार्च 1999 की, जब WWF के एपिसोड में चाइना अरीना में आती हैं और ट्रिपल एच को बुलाती हैं फाइट करने के लिए। जैसे ही ट्रिपल एच वहां आते हैं वैसे ही द बिग रेड मशीन केन भी वहां आ जाते हैं और ट्रिपल एच चाइना को पकड़ लेते हैं, फिर उन्हें धक्का देकर केन की तरफ भेजकर केन पर अटैक करने लगते हैं। इतने में चाइना ट्रिपल एच को पकड़ती हैं और केन यहाँ एक फायरबॉल फेंकते हैं, जो कि वो ट्रिपल एच को मारना चाहते थे, पर वो फायरबॉल ट्रिपल एच की जगह चाइना को लग जाती है क्योंकि ट्रिपल एच एन मौके पे वहाँ से हट जाते हैं। जिसके बाद केन गुस्से में ट्रिपल एच पर और वहाँ आए रेफरीज पर हमला कर देते हैं। इस तरह से केन एंड में चाइना को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। ये पहली बार था जब केन ने अपनी अच्छी साइड दिखाई थी WWF में और अपना कैरेक्टर ब्रेक किया था। नंबर 6, विंस मैकमैन अटैक्स स्टेफनी मैकमैन एंड लिंडा मैकमैन। दोस्तों जैसा कि इस वक्त तक विंस मैकमैन ने अपनी बेटी के मैचेस ब्रॉक लेसनर एंड ए ट्रेन जैसे रेसलर्स के साथ में तो करवा दिए थे, लेकिन अब वो खुद ही स्टेफनी मैकमैन का सामना करना चाहते थे। इसके लिए 19 अक्टूबर 2003 के नो मर्सी पेपर व्यू में स्टेफनी मैकमैन एंड विंस मैकमैन का आई क्विट मैच तय किया गया। इस मैच में पहले तो विंस मैकमैन स्टेफनी मैकमैन पर खूब वार पे वार करते हैं, लेकिन बीच में लिंडा मैकमैन और सेबल के इंटरफेरेंस की वजह से अब स्टेफनी मैकमैन विंस मैकमैन की पिटाई कर देती हैं। लेकिन लास्ट में विंस मैकमैन ने पाइप के सहारे स्टेफनी का गला दबा दिया
और इस वजह से रेफरी को वो मैच वहीं खत्म करना पड़ा। मैच के बाद जब लिंडा मैकमैन स्टेफनी मैकमैन को चेक कर रही थी तो विंस मैकमैन उन पर भी अटैक कर देते हैं। नंबर 5, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन अटैक्स लिंडा मैकमैन। दोस्तों, स्टोन कोल्ड ने अपने समय पर यूं तो काफी महिलाओं पर अटैक किया, यहां तक कि अपनी एक्स वाइफ पर भी, पर सबसे खास पल तब आया जब स्टोन कोल्ड ने अपना स्टनर लिंडा मैकमैन को दिया। स्टोन कोल्ड ऐसा बंदा है जिसने मैकमैन फैमिली में किसी को नहीं छोड़ा और सभी को तड़ातड़ स्टनर मारे, बस लिंडा मैकमैन ही बाकी थी। लेकिन जब स्टोन कोल्ड ने लिंडा मैकमैन को स्टनर दिया तो ये स्टनर हिस्ट्री का सबसे बकवास स्टनर बन गया, क्योंकि लिंडा उससे ठीक से सेल ही नहीं कर पाई। नंबर 4, बबर ए डेडली अटैक्स मे यंग। दोस्तों, 7 मार्च 2000 के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में बबर ए डेडली एंड डीवान ने मिलकर मे यंग को टेबल पर पावर बॉम्ब दे देते हैं। और दोस्तों, उस समय कमाल की बात तो ये है कि मे यंग की उम्र 77 साल थी और इतनी ज़्यादा उम्र में इतने ऊपर से पावर बॉम्ब लेना उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। और दोस्तों, इससे पहले 7 फरवरी 2000 को कर्ट एंगल ने भी मे यंग को ओलंपिक स्लैम देकर उन पर अटैक किया था। नंबर 3, जॉन सीना अटैक्स लीटा। दोस्तों, साल 2006 के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में लीटा ने जॉन सीना का सामना किया था एक नो होल्ड्स बारड मैच में। लेकिन यहां एक और स्टेपुलेशन थी कि जॉन सीना का एक हाथ रस्सी से बंधा हुआ था, यानी कि जॉन सीना को सिर्फ एक हाथ से ही लीटा का सामना करना था। लीटा ने जॉन सीना को एक लो ब्लो लगाया मैच की शुरुआत में और फिर उन्हें कुछ थप्पड़ भी लगाए, पर जॉन सीना की यहाँ सटक गई थी और जॉन सीना को खतरनाक गुस्सा आ गया और उन्होंने अपना एक हाथ बंधा होने के बावजूद भी लीटा को उठाया और एटीट्यूड एडजस्टमेंट देकर मैच को जीत लिया, वो भी एक मिनट से भी कम में। और ये सब देखते वक्त रेफरी काफी ज्यादा खुश हो रहा था। नंबर 2, मल्टीपल रेसलर्स अटैक्स नाया जैक्स। साल 2019 के रॉयल रंबल में नाया जैक्स ने इतिहास रच दिया और वो पहली वुमेन रेसलर बनी जिन्होंने एक ही रात में 2 रॉयल रंबल मैचेस में हिस्सा लिया था। और नाया जैक्स 4th वुमेन बनी जिन्होंने WWE के इतिहास में मेंस रॉयल रंबल मैच में एंट्री ली। यहां उन्होंने आर ट्रूथ पर अटैक करके उनका नंबर 30 का स्पॉट छीन लिया था। मैच में इंटर होने के बाद में नाया जैक्स ने अचानक से मुस्तफ़ा अली पर अटैक करके उन्हें एलिमिनेट कर दिया। लेकिन इसके बाद रैंडी ऑर्टन, डॉल्फ ज़िगलर एंड रे मिस्टेरियो ने मिलकर नाया जैक्स को एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया। अटैक का सीक्वेंस भी कमाल रहा, जहां पहले तो डॉल्फ ज़िगलर ने नाया जैक्स को सुपर किक मारी, जिसके बाद में रे मिस्टेरियो ने अपना 619 दिया और इसके बाद में रैंडी ऑर्टन ने अपना धमाकेदार RKO लगाया। जरा एक बार फिर से इसका रिप्ले तो देखिए। नंबर 1, बैरन कॉर्बिन अटैक्स बेकी लिंच। ये साल 2019 के एक्सट्रीम रूल्स पेपरव्यू का इंसिडेंट है जब सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच की टीम ने बैरन कॉर्बिन एंड लेसी एवंस की टीम का सामना किया था और यह मैच यूनिवर्सल चैंपियनशिप प्लस रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए था, यानी कि एक विनर टेक्स ऑल मैच और एक एक्सट्रीम रूल्स वाला ये स्टेपुलेशन का मैच था। और इस मैच में अचानक से बैरन कॉर्बिन को पता नहीं क्या सूझा और उन्होंने बेकी लिंच को एंड ऑफ डेज मारकर उन पर अटैक कर दिया। लेकिन क्या बैरन कॉर्बिन ने यहाँ कुछ गलत किया था? बेकी लिंच भी तो द मैन है। मजाक अच्छा नहीं था वैसे, लेकिन ये जो भी हुआ था सेथ रॉलिंस को पसंद नहीं आया और आग बबूला हुआ सेथ रॉलिंस ने एकदम तोड़ दिया बैरन कॉर्बिन को किंडो स्टिक्स एंड चेयर से हमला करके। और मैच जीतने से पहले सेथ रॉलिंस ने बैरन कॉर्बिन के टकले को फुटबॉल बना दिया और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 कर्ब स्टॉम्प्स मारकर उन्हें पिन करके उस मैच में हरा दिया। मैच के बाद में सेथ रॉलिंस उनकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप हार गए थे क्योंकि ब्रॉक लेसनर ने अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैश इन कर लिया था सेथ रॉलिंस पर। दोस्तों, इन सब इंसिडेंट्स के अलावा एक और इंसिडेंट हुआ था रसलमेनिया 32 में, जब रोमन रिंग्स ने सामना किया था ट्रिपल एच का WWE चैंपियनशिप मैच में। और इस मैच में रोमन रिंग्स ने एक्सीडेंटली स्पीयर लगा दिया था स्टेफनी मैकमैन को।
तो दोस्तों ये थे ऐसे कुछ मोमेंट्स जब एक मेल रेसलर ने एक फीमेल रेसलर पर अटैक किया WWE में। तो आज की वीडियो में था इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।